आज हम कोरोना वैक्सीन को लेकर जो लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, लोगों में भय का वातावरण है जो कि बना हुआ है, आज हम डॉक्टर शोएब हमारे साथ में जुड़े हैं। आज हम इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि 3 साल पहले जो कोरोना महामारी आई थी उसमें कोविशील्ड जो लगाई गई थी और आज उसके क्या दुष्परिणाम जो कि सामने आ रहे हैं उनको लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो भय का वातावरण जो कि बना हुआ है क्या कारण है इसके पीछे, सारी चीज़ें आज हम इनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते झुंझुनू। सबसे पहले झुंझुनू हमारा पर आपका स्वागत। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। कोविशील्ड जो लगवाई गई थी वैक्सीन उसको लेकर आज 4 साल बाद में ये जो लोगों में जो भ्रम की स्थिति है, भय का जो वातावरण बना हुआ है, उसका क्या कारण है सर? देखिए, ये ज़्यादातर लोगों के अंदर ये भ्रम की स्थिति पैदा हुई जब एक एस्ट्राजेनेका की रिपोर्ट आई थी जो यूके के अंदर आई थी, उसमें ये बताया गया था कि एक पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट है स्ट्रोक होने के और हार्ट अटैक होने के। हम जब बात करते हैं पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट, तो हमें ये मानना चाहिए कि हर चीज़ के पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बट वो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो ज़रूरी नहीं है। अभी एक वैक्सीन की वजह से हमने कितने करोड़ लोगों की जान बची है, हम उसको नकार के हम एक पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट को ही अगर हम केंद्र बिंदु बना लेंगे तो मेरे हिसाब से ये गलत है। दूसरी बात, इस स्टडी में ये पाया गया है कि 10 लाख में 1% में ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आप 10 लाख लोगों की जान बचा रहे हो वो ज़रूरी है, या फिर उसमें से एक का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है वो ज़रूरी है? एक जांच है जो कि सामने आ रही है कि डी टाइमर की जो जांच है वो करवा लेनी चाहिए, और वो जांच है वो इतनी कॉस्टली है कि हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, डी टाइमर की जाँच जो होती है वो जाँच यदि हमारे शरीर में कोई भी खून का थक्का बन रहा है जिसको हम ब्लड क्लॉट बोलते हैं उसके लिए करवाते हैं, किसी भी कारण से हो सकता है खून का थक्का, परंतु उसके लिए आप डी डायमर की जांच यदि करवाएंगे बिना डॉक्टर के परामर्श के तो ये वो गलत होगा। हम फिर आपको लगता है कि आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लीजिए, उनको लगेगा तो वो आपको डी डायमर की जांच यदि उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, एडवाइस करते हैं तो ही करवाएं। सेकेंड चीज़, डी डायमर की जाँच केवल आपको स्ट्रोक और हार्ट की डिजीज़ के बारे में बता देगी ऐसा नहीं है, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें डी डायमर बढ़ा होता है, जैसे प्रेगनेंसी है, लीवर डिजीज़ है, एल्कोहलिक्स है, कोई बेड रिडन पेशेंट है बहुत दिनों से जो बेड पे पड़ा है वो पेशेंट है, ऐसे पेशेंट पर डी डायमर, ये स्मोकिंग करते जो पेशेंट है उनका डी डायमर वैसे ही बढ़ा हुआ रहता है। तो ये केवल आपको हार्ट और स्ट्रोक की बताएगी ये जाँच, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो बिना फालतू में ऐसी जाँच से बचें, आप अपने महत्वपूर्ण पैसे को खर्च फालतू में मत कीजिए। सर, कई व्यक्तियों के सीने में जैसे दर्द उठता है तो वो उन्हीं को हार्ट अटैक जैसी समस्या मान लेते हैं, और वो इतनी समस्या से गंभीर होते नहीं हैं, लेकिन उनमें ऐसा ही भय का भय बन जाता है कि क्या पता कोई शील्ड हमने लगवाई थी और ये उन्हीं का दर्द उठ रहा है, तो इसके बारे में क्या कुछ? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि यदि आपको सीने में दर्द है, साइकोजेनिक भी हो सकता है, रील में भी आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम सामान्य भाषा में गैस बोलते हैं वो भी हो सकती है, लेकिन कभी भी इसको इग्नोर मत करें। गैस मान के आप हार्ट की दर्द को इग्नोर मत करें, आपको लगे कि मुझे दिक्कत है तो आप नज़दीकी अस्पताल में जाइए, वहाँ ECG की सुविधा है, ECG में 90% पकड़ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ यदि गड़बड़ है तो हम ECG में पता लगा सकते हैं। सेकंड चीज़, हाँ, अब ये केसेस बढ़ गए हैं, मैं भी ये मानता हूँ, जब से ये रिपोर्ट सामने आई है तो लोगों के अंदर एक साइकोजेनिक डर बैठ गया है कि ये मुझे चेस्ट का पेन है तो कहीं हार्ट अटैक का दर्द तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सामान्य स्थिति है जिसमें मनोरोग या फिर आप मानसिक रूप से किसी भी चीज़ को लिंक करने लग जाते हो कि ये मुझे उस वजह से तो नहीं है। ठीक है, आप एक ECG जांच करवा के यदि आपका वहम निकल सकता है तो करवा लीजिए ना, डी डायमर से बचिए, अननेसेसरी डी डायमर मत करवाइए। आपको लगे मुझे दिक्कत है तो डॉक्टर से परामर्श लीजिए, अपना जो भी ज़रूरी जाँच है वो करवाइए, उसके बाद हमें लगेगा तो हम आपकी आगे भी जाँच करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका लिंक आपकी कोविड की वैक्सीन से, मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं करता। सीने में दर्द उठने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, मोस्ट कॉमन जो दर्द है सीने में दर्द उठने का, वो साइकोजेनिक होता है, लोगों के अंदर कभी कभी जैसे खाने पीने से गैस बन जाती है उसके वजह से होता है, लेकिन उसके अलावा हमें कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि हार्ट के अंदर कोई भी, यदि हार्ट को ब्लड नहीं पहुँचेगा ना तो उसमें दर्द होगा। क्या ऐसा खान पान में ध्यान रखा जाए कि इस दर्द से बचा जा सके?
देखिए, मैं तो सबसे पहले हमेशा स्वस्थ रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप डेली व्यायाम कीजिए। कम से कम 30 मिनट की व्यायाम बहुत ज़रूरी है। 30 मिनट ब्रिस्क एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपकी हार्ट रेट बढ़े। जैसे हम बोलते हैं कि हम 30 मिनट पैदल चल लिए, तो पैदल चलने से यदि आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है तब तो ठीक है। यदि आप नॉर्मल बैठ बैठ के चल रहे हो और आपकी हार्ट रेट नहीं बढ़ पा रही है तो आप उस एक्सरसाइज कैटेगरी में नहीं आ रहे हो। ऐसी 30 मिनट की एक्सरसाइज करिए जिसमें आपकी हार्ट रेट बढ़े। दूसरी चीज़, हेल्दी खाना खाइए, घर का खाना खाइए, बाहर के खाने से बचिए। अभी गर्मियों के अंदर लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हैं जिसको हम कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं, बचिए उससे। फास्ट फूड से बचिए, जंक फूड से बचिए, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट से बचिए और हाई मसाले वाले खानों से बचिए। जैसे सर, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग अधिकतर घरों में घी का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सर कितना हद तक सही है इस बीमारी के लिए? देखिए, घी एक्चुअली में उसका एक बहुत गलत प्रचार हुआ है घी का, कि घी खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आप गाय का घी का सेवन करते हैं और एक लिमिटेड, देखो हर चीज़ ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो उसका नुकसान तो ही है, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में यूज़ करेंगे और आप हेल्दी हैं तो आपके लिए घी अच्छी चीज़ है, इट्स ए गुड थिंग। ये आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करता है, इससे गुड फैट, हमारे बॉडी के अंदर गुड फैट की ज़रूरत भी होती है तो गुड फैट मिलता है आपको। तो मैं तो कहूँगा गाय का घी का सेवन सबको करना चाहिए। हाँ, यदि आपको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है, आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है या फिर आपके हार्ट में पहले कोई अटैक आ चुका है, उस केसेस में आप बच सकते हैं, क्योंकि एनीवे ये आपके गुड फैट है लेकिन आपको फैट बढ़ा सकता है। हमारे दर्शकों को कोविशील्ड को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहो? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आप इसको ये मानिए कि उस स्थिति, मुझे अभी भी याद है कि जहाँ डेली एक एक वैक्सीन के लिए मुझे वे कॉल आया करते थे, एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग इतनी त्राही त्राही मची हुई थी, ऐसी स्थिति में लोगों की जान बची है तो हम कहेंगे कि कोविशील्ड में उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। हमें उससे उस तरह से देखना चाहिए। ठीक है, एक नेगेटिव रिपोर्ट है, एक नॉर्मल पैरासीटामोल भी होती है ना, उसमें हम फ़ायदे भी देखते हैं नुकसान भी देखते हैं, तो उसका एक नुकसान भी हो सकता है। तो आप केवल नुकसान में मत देखिए, आप ये देखिए कि आज 4.5 साल निकल चुके हैं, मेरे पास तो अभी ऐसा कोई या फिर मेरी जानकारी में ऐसा कोई केस नहीं है जिसके कोविड की वैक्सीन लगने की वजह से उसके अटैक आया हो। तो जब तक हमें तथ्य और प्रमाण नहीं मिलेंगे उस पर नेगेटिव प्रचार करना सही नहीं रहेगा। आप स्वस्थ हैं और आप खुद के स्वस्थ रहने के लिए डेली एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाइए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और एक मैं तो कहूँगा, जैसे आज लोग इतना एक वैक्सीन पे इतना जो हंगामा लोगों ने बना रखा है, आप एक सिगरेट का पाउच देखिए या फिर एक जो तंबाकू बीड़ी गुटखा जो पाउच होता है उस पर लिखा हुआ सामने से कि इससे कैंसर होता है, लोग उस पर कभी क्वेश्चन नहीं उठाते। और एक वैक्सीन के ऊपर जो एक रामबाण का काम किया उसने, उस पर क्वेश्चन उठा रहे, तो मैं तो ये सही नहीं मानता। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके दर्शकों का, धन्यवाद। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आए। थैंक यू।